लोग जिस तरह से डांगरी में जो कुछ हुआ और वहां पर 6 हिंदुओं का मिलिटेंट्स के द्वारा कत्ल किया गया, मैंने अपनी तरफ से प्रेस नोट भेजा था एक श्रद्धांजलि का। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं यही कहना चाहूंगा कि चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उनके परिवार के साथ खड़ा है। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने कल चैंबर में भी प्रोग्राम किया था और मैंने अपनी तरफ से बाजार एसोसिएशन से भी रिक्वेस्ट की थी और मेरी बात को मानते हुए सभी बाजार एसोसिएशन ने कैंडल जगा करके गायत्री मंत्र का पाठ करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। जो कुछ डांगरी में हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है और मैं इसके पीछे ये कहते हुए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स जो है वो भी रहा है इस डांगरी में। बीडीसी कमेटीज 96 में बनी थी, मैं याद करना चाहता हूं उस समय के जिनकी वजह से बीडीसी बनी थी और उसके बाद माइग्रेशन जो है वो रुक गई थी, चाहे वो डोडा था, चाहे वो गदरवा था, किश्तवाड़ था, गूल था, रजौरी था, पुंछ था। उस समय जो हमारे उस समय के जो लीडर थे बड़े अग्रेसिव थे, दयाकृष्ण कोतवाल जी थे, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता थे, कुलदीप जी जो रजौरी से थे, लाला शिवचरण जो है, उन लोगों की वजह से बीडीसी और उस समय आईजी जो थे एसपी वैद, उनकी अगुवाई में बीडीसी कमेटियां बनी थी जिसकी वजह से लोगों ने माइग्रेशन जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज जो कुछ हुआ जिस तरह से बीडीसी कमेटीज को डिफंड किया गया, ये उसी की वजह से ये आज का जो यहां पर किलिंग्स हुई है उसी की वजह से हुई है। पुलिस का हर व्यक्ति जो है हर घर में नहीं बैठ सकता, लेकिन विलेज डिफेंस कमेटियां जो है वो मिलिटेंट्स का मुकाबला करती हैं। जरूरत है कि किस तरह से हम लोग जो है उनकी उनको रिवाइव कर सके, बीडीसी मेंबर को स्ट्रेंथन कर सके, उनको उनको मॉडर्न जो इस समय जो वेपन्स हैं उनको दे करके, ताकि वो अपनी रक्षा के साथ साथ उस बॉर्डर का भी वो रक्षा कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट से जो चूक हुई है, और सबसे पहले तो मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि पहले दिन किलिंग हुई और वो जो एरिया है वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने अंडर ले लिया, लेकिन सेकेंड डे फिर से जिस तरह से आईडी से ब्लास्ट हुआ और दो बच्चियां जो है, एक बच्चा और एक बच्ची जो है उसके शिकार हुए, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा अभी की पुलिस जो है बड़ी अलर्ट है। अभी पिछले दिनों में जिस तरह से पुलिस ने अलर्ट रहते हुए 4 मिलिटेंट्स जो हैं उनको मार दिया, लेकिन आज भी वो ट्रक का ड्राइवर जो है वो पकड़ा नहीं गया। लेकिन ये सोचने की बात है कि आखिर वो मिलिटेंट्स जो है वो नरवाल तक पहुंचे कैसे? बॉर्डर से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स है, उसको देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने जिन्होंने मिलिटेंट्स जब थे एक्टिव उस समय फ्रंट लाइन में रहते हुए मिलिटेंट्स को मारा भी है, उनको खदेड़ा भी है। लेकिन आज शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को मैं भी जानता हूं जो उस समय मिलिटेंट्स का सामना करते थे, जिन लोगों ने मिलिटेंट्स को मारा भी है, आज उनकी ड्यूटीज जो है वो ऐसी जगह पर लग गई है और ऐसे लोग जो हैं, मैं समझता हूं कि अगर सिक्योरिटी लैप्स है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है
वो फिक्स करना जो है वो गवर्नमेंट का काम रहना चाहिए। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह की जो सिक्योरिटी लैप्स है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए। और उन लोगों को, और खास तौर पे जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं, उनकी सर्विसेज लेते हुए आज मिलिटेंट्स जो हैं वो कश्मीर वैली को छोड़कर के जम्मू डिवीजन में आना शुरू हो गए हैं, इसकी चिंता जो है वो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। जम्मू जो है बड़ा पीसफुल एरिया है, मैं अपने आप को दोषी मानता हूं। जब डेथ हुई हमारी टीम के मेंबर जम्मू में नहीं थे, हम 5 लोग जो हैं जम्मू से बाहर थे। मैंने अपनी तरफ से प्रेस नोट भी दिया और जहां की जम्मू जो सोसाइटी है उसमें एक मीटिंग में गए और मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर इनको एक कॉल थी, लेकिन मुझे अफसोस है उन सिविल सोसाइटीज पे जो अपने आप को हिंदुओं का रखवाला मानते हैं, लेकिन हिंदुओं की किलिंग के बाद भी वो नहीं जागते, तो मुझे इस चीज का सख्त अफसोस है। आने वाले दिनों में मुझे कुछ अफसोस अपने आप पे भी है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आगे हम लोग जो है सिविल सोसाइटी की तरफ देखते थे इस तरह की सिचुएशन में, लेकिन आने वाले समय में हम लोग जो है डिसीजन अपने आप में करेंगे। हम सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर के कोई डिसीजन नहीं करेंगे और हम अपनी तरफ से ये डिसीजन करेंगे। और मैं वार्न करना चाहता हूं गवर्नमेंट को भी,